मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आज बना है पास्ता। मेरे मम्मी बहुत टेस्टी पास्ता बनाते हैं। ये देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं देते हैं मम्मी, प्याज देते हैं, टमाटर प्यूरी देते हैं, प्यूरी इन द सेंस टमाटर सॉस। बहुत टेस्टी होता है खाने में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आज ये है। तो चलिए फटाफट इसको सर्व करते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ श्रेया। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 12:10 वजे से। और आज गुड मॉर्निंग नहीं है, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, प्लीज सॉरी, क्योंकि अभी आफ्टरनून हो गया है, 12 बज गया। चलो फिर भी 10 मिनट का इधर उधर है, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। वैसे गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ गाइस। नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ। आज सुमित का थोड़ा सा तबीयत डल है, तो उसको फटाफट जाकर ड्रेस वगैरह चेंज करके मास्टर ऑयल से एकदम मसाज करके उसको नहला दिया है। अभी उसको स्वेटर सॉक्स सब कुछ पहना के बैठा दिया, जैसे बच्चे लोग का पैम्परिंग करना होता है ना, वैसे ही पूरा पैम्परिंग करके उसको बैठा दिया है। अभी किचन में है, मम्मी के साथ बात कर रहे हैं। मम्मी मेरा सुमित का नहाना वाना हो गया है। पापा अभी भी काम कर रहे हैं, पापा राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, ऊपर आपको बाद में दिखाऊंगी। तो क्या बोलते हैं, टेरिस के उधर ना हम लोग का एक दरवाजा लगने वाला है, तो उसका पिलर बना रहे हैं पापा, ईंट सीमेंट और बालू देकर, एक आपको दिखाऊंगी। तो बस पापा वही काम कर रहे हैं, पापा का वो काम हो जाए उसके बाद 1 बजे पापा नहाएंगे, फिर हम लोग लंच करेंगे। और लंच पे आज मम्मी ने क्या क्या बनाया है तो चलिए दिखाते हैं, बने रहिए मेरे साथ। आई होप आज का आप सबको अच्छा लगेगा। ये देखिए सुमित, जो उसका तबीयत खराब है, मैंने इसको उठाकर नहलाकर एकदम फ्रेश करके बच्चे के तरह एकदम ट्रीट करके रखा है। और मम्मी का नहाना हो चुका है, लेकिन फिर भी चलो मैं एक झलक दिखा देती हूँ मम्मी आज क्या क्या खाना बनाया है। मेरा सीम पातुरी, उस दिन मार्केट से जो सीम लेके आए थे ना, उसका पतोरी बनाया, पातुरी हम लोग बोलते हैं। ये रहा करेला आलू की सब्जी, बहुत मस्त बनाते हैं मम्मी। और ये है जो क्या बोलते हैं, प्याज कोली आलू फ्राई। इधर रहा मसूर का दाल, और ये रहा धनिया पत्ता का चटनी जिसमें लेमन का एक दाना गिरा हुआ है, फेंक देते हैं। और ये रहा पोस्टो बाटा खसखस, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मम्मी ने बनाया। तो चलिए यही बनाया आज का लंच मेनू। और ये रहा राइस, चलिए देख लिया आप सबने। और गाइस ये तो आप सबको दिखाना मैं भूल गई, ये है मस्टर्ड सीड्स, जो उसको मम्मी ने 2 मिर्च और मस्टर्ड सीड देकर एकदम पेस्ट बना के दिया है। ये एक्चुअली सुमित के लिए बनाया है, और इसमें मस्टर्ड ऑयल और नमक डाल के खाया जाता है गरम राइस में। ये ना अगर आपको सर्दी होता है ना, अगर आप ऐसे करके पेस्ट बनाकर गरम राइस के साथ रॉ खाते हैं ना मस्टर्ड पेस्ट को, आपका ना सर्दी जुकाम खांसी अगर फीवर भी होता है ना वो चला जाता है। ऐसे देखिए ऐसे खाया जाता है। तो सुमित को बस वही बना के मम्मी ने दिया है, क्योंकि सुमित का आया है फीवर। लंच हो चुका है, अभी मैं जा रही हूँ दिखाने के लिए पापा क्या बना रहे हैं। इधर एक दरवाजा लगाने वाले हैं पापा, तो उसका पिलर बना रहे हैं पापा। देखिए अपने हाथों से ये पूरा घर बनाया है, सिर्फ ढलाई जो है ना वो मिस्त्री से दिया हुआ है, पूरा घर अपना हाथों से बनाया है। आज का वेदर ना गाइस फॉगी फॉगी वेदर है, बादल बादल जैसे सुबह से ऐसा है। 10 मिनट 2 मिनट के लिए धूप निकला था, फिर से डूब गया। और देखिए इधर से रोड दिखता है,
दैट इसका कुछ हालत इस तरह सा है। तो देखा कितना अच्छा है, मेरे पापा को हर काम आता है, हर काम। वैसे मेरे पापा सरकारी जॉब करते हैं, अभी रिटायरमेंट है, घर बैठे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और ये पूरा घर मेरे पापा ने और भैया ने दोनों मिलकर बनाया है अपने हाथों से, सिर्फ ढलाई छोड़कर। ढलाई सिर्फ मिस्त्री किया था, उसके बाकी का ये जो दीवार वगैरह है ना, सब कुछ मेरे भैया और पापा ने उठाया है, बनाया है। गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। मैं टेरिस पे आ गई हूँ और एकदम बादल जैसे छा गया है, तो क्या करूँगी, रूम के अंदर बैठ के भी अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी देर पहले बारिश हुआ इधर, और पापा जो पिलर को बना रहे थे, देखिए प्लास्टर भी कर लिया पापा ने। कल आधा ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा कल होगा, और आज ये बना लिया है। इधर ना एक दरवाजा लगेगा, जैसे नीचे एंट्री का जो लोहे का दरवाजा है ना, वैसा ही लोहे का एक दरवाजा लगाएंगे पापा। क्यों पता है? क्योंकि जब भी ठंड के बारिश के टाइम पता है ना, पूरा इधर ना, इधर से पूरा बारिश का ये झपटा आकर ना पूरा गीला हो जाता है पापा का, ये देखिए बेडरूम। तो इसीलिए इधर एक दरवाजा लगा देंगे, तो सिक्योर हो जाएंगे, पानी भी नहीं आएगा। और थोड़ी देर पहले ही बारिश हुआ है, ये देखिए, यू कैन सी पूरा गीला गीला होके रखा हुआ है। और मैं ना, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है, क्या करूँ, कुछ करने का भी नहीं है। लोड शेडिंग भी हो गया था, जस्ट अब भी आया, मैं टेरिस पे आई तो सुमित ने आवाज़ लगाया कि बाबू लाइट आ गया है। तो मैं बोला चलो थोड़ा बहुत अब सबसे बात कर लेती हूँ। चाय बनाया मम्मी ने, चाय भी पी लिया है, पी नहीं रही थी कुछ दिनों से, फिर आज मैंने चाय पिया, क्योंकि ठंडी ठंडी वेदर है, बारिश भी हुआ। कल है सरस्वती पूजा, और आज है 13 तारीख फरवरी का, पता नहीं आज कौन सा डे है। कल तो वैलेंटाइन डे है, सरस्वती पूजा है, और ब्लैक डे भी है। एक दिन में 3-3 डे है। तो हम लोग का टेरिस बहुत बड़ा है, देखिए टेरिस में हमेशा चेयर वगैरह रखा रहता है, क्योंकि बैठने का अगर मन करे तो। और ये देखिए कोलकाता में, मतलब शराफुली में तो धूप नहीं निकला है। आज का वीडियो, 13 तारीख का वीडियो अगर आप देख रहे हैं, कल मतलब सरस्वती पूजा के दिन अगर देख रहे हैं शाम को, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपका 13 तारीख के दिन धूप था या बारिश हुआ। प्लीज़ कमेंट करके बताना किस किस के एरिया में बारिश हुआ, क्या नहीं। देखिए नीचे का माहौल पूरा अंधेरा अंधेरा है, देखते हैं सुमित और मम्मी क्या कर रहे हैं। स्लीपर में इधर खोल देती हूँ। सुमित लेटा है एज यूजुअल, हमेशा लेटा रहता है, और मम्मी टीवी देख रहे थे। देखिए गाइस, मैं घर पे झालमुड़ी बनाया है, बहुत कुछ इसमें डाला है, और मम्मी सीरियल देख रहे हैं ना, इसलिए बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, तो बात नहीं कर सकते, नहीं तो कॉपीराइट भी आ सकता है। पता नहीं किसमें, कभी किसी में भी कॉपीराइट दे देते, कभी कभी म्यूजिक लगाती उसमें भी। तो ये रहा मेरा झालमुड़ी, घर का बनाया हुआ होममेड झालमुड़ी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपसे एक ही ब्लॉग में दो बार वेलकम करती हूँ, क्योंकि कल रात को मुड़मुड़ा खाने के बाद मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि एक मूवी चलाया था ना, मूवी देखते देखते मैं डिनर विनर करके फिर सो गई थी। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो मॉर्निंग में कंटिन्यू कर लेते हैं। और हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी सरस्वती पूजा, और इसी के साथ आज ब्लैक डे भी है, तो इसलिए कैसा फेस्टिवल एंजॉय करूं। कभी एंजॉय करने जाती हूँ तो वो दिन याद आता है, फिर और फिर प्रीतिका भी याद आता है, इसलिए ना कुछ मैंने ये नहीं किया है कि ये करूंगी वो करूंगी, नहीं तो हर साल मैं मॉर्निंग होते ही, हम लोग का मॉर्निंग होने से पहले हम लोग ना प्लान कर लेते थे क्या करेंगे क्या नहीं। वैसे 10 बज चुका है, बाबू मोबाइल तो बंद करो। तो अभी सुबह का 10 बज चुके हैं, कुछ प्लानिंग वगैरह हुआ नहीं है, और बस ये वाला ब्लॉग मैं दी एंड करती हूँ। आज कुछ प्लानिंग होता है कि नहीं आपको जानने के लिए नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो चलिए ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सबने एंजॉय किया, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।